और देखते हैं कि आ जाओ किसी आ जाओ। अच्छा ठीक है, मैं तो व्लॉग बना रही थी, मान के चलो व्लॉग में ऐड कर दूंगी। ईद मुबारक, कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। भाई लुटेरे वेलकम बैक विद अनदर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से गुज़श्ता ईद मुबारक। तो भाई ईद का व्लॉग जो है ना, वो मैंने एक छोटा सा चुना मुना सा बनाया, वो मैं आज या कल शॉर्ट वीडियो में लगा दूंगी, क्योंकि भाई बड़ी ईद पे हम लोगों ने कुर्बानी नहीं की थी। तो वो फिर ईद कैसे गुजरी वो आप सारा उसी व्लॉग में देख लेना। और कुर्बानी बस नहीं हुई इस बारी, लेकिन मैंने इस बारी सोच लिया है कि इंशाल्लाह एक वो कहते हैं ना, नियत कर ली है कि नेक्स्ट ईद मैं अपने पैसों से कुर्बानी करूंगी। तो उसके लिए आप लोगों का साथ बहुत 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 ज़रूरी है। नियत मैंने कर ली है, साथ आप लोगों ने देना है, और सबसे पहले अल्लाह ताला ने साथ देना है, उसके बाद आप लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है। तो अच्छी नियत करें तो उसका अजर ज़रूर मिलता है। तो भाई आज है ईद का चौथा दिन, ईद गुजर गई है, सब अपने अपने कामों में आ चुके हुए। तो आज है ईद का चौथा दिन, और आज है हमारे घर एक छोटी सी बड़ी सी दावत है, और किसकी दावत है वो आपको आगे चलकर पता लग जाएगा। तो सारे काम हो चुके हैं, मैं व्लॉग में रात को शुरू कर रही हूँ, क्योंकि सुबह यार पता ही नहीं चलता कि क्या करना है क्या नहीं करना। और लाहौर का वेदर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दिनों के बाद, मतलब पूरी ईद गर्मी में गुजरी है, और अब कुछ नहीं बहुत अच्छा वेदर हो गया हुआ है। तो फिर हमने कहा चलो जी दावत रखनी है तो इसी दिन में रख लेते हैं। तो नीचे चल के आपको दिखाते हैं कि खाने में क्या क्या बनाया हुआ है, और हम लोग जल्दी से, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, बस थोड़ा सा मुंह पे कुछ लुपा लुपी करना है। आशा रेडी हो चुकी हुई है, वो वहाँ पे अपनी सेल्फीज़ बना रही है सेल्फीज़। तो बस अब चलते हैं नीचे, और नीचे जाके आपको खाने का मेन्यू दिखाते हैं। और जी नेक्स्ट बड़ी ईद बकरा ईद की नीयत तो मैंने कर ली है कि नेक्स्ट बकरा ईद पर मैं अपने पैसों से बकरा ला कर कुर्बानी करूँगी। लेकिन उससे पहले आप लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है, आप लोगों के बगैर मैं कुछ भी नहीं। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कमेंट भी कर दिया करो यार। और दावत किसकी है, दावत है जी अनंत के इन लॉज की। अनम और नबील भाई तो बैठे हुए हैं अमेरिका में, और दावत हमने रखी है उनके इन लॉज की, अनंत के इन लॉज की। तो बस जी सिस्टर ड्यूटीज़ निभा रहे हैं हम लोग, और इस पूरी ईद में हमने अनम और नबील भाई को बहुत मिस किया है। वो होते तो भाई बड़ा मज़ा आना था, दावत का भी बहुत मज़ा आना था, ईद का भी बहुत मज़ा आना था, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो इतनी दूर है हम यहाँ पे। तो चलते हैं अब जल्दी से नीचे, और नीचे जाके आपको दिखाते हैं कि क्या क्या बनाया। मैंने बनाया जी काबली पुलाव, उसकी रेसिपी मैं आपको आगे शेयर करती हूँ, और आयशा ने क्या बनाया, और मीठे में क्या है क्या नहीं, सारा कुछ नीचे जाके दिखाती हूँ मैं आपको। और बस अब टेबल सेट करना है, बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ डन हो चुका है। तो चलते हैं अब नीचे, हल्के से कपड़े पहन लिए। पूरी ईद मैंने बहुत गर्मी खाई है, तो मैंने कहा आज बस ऐसे ही हल्के हल्के से कपड़े रखती हूँ, और मैंने मुंह पे भी कुछ नहीं लगाया, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं नीचे बाहर, और है मैं गिरने लगी थी, और अभी उनको आने में भी टाइम है, तो मुंह मैं बहुत दफ़ा धो रही हूँ, क्योंकि मुँह पर इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे, तो लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी चलते हैं बाहर, और क्या करने जा रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। तो बस अब नीचे चलते हैं, नीचे वालों ने इतना शोर मचाया हुआ है ना, मतलब हद ही हो गई है, ये ले आओ वो ले आओ ये ले आओ, बस मसले ही नहीं ख़त्म हो सकते। ये कुछ सारा सामान मंगवाया है आयशा ने, अपना मेकअप वॉलेट, भाई मैं वॉलेट नहीं लेके जा रही, क्योंकि मेरे पास जितने पैसे थे ना सब खत्म हो चुके हैं। तो अब ये आयशा का वॉलेट चलेगा, और कुछ मेकअप का सामान, पूरा चांद है ना आज जी। अब मैं और आयशा आ गए हैं बाहर, बाहर हम लोग लेने जा रहे हैं आइसक्रीम, क्योंकि यार मीठा बनाया ही कुछ नहीं, टाइम ही नहीं था। मैं मीठा बनाती होती थी स्पेशली नबील भाई के लिए, तो वो अब आए नहीं है, तो फिर मैंने कहा रहने तो क्या मीठा बनाना, लेकिन फिर हमने कहा चलो स्वीट में तो कुछ रखना है, तो फिर हमने कहा जल्दी जल्दी वाला काम करते हैं, आइसक्रीम पकड़ के ले आते हैं। तो बस मैं और आयशा अब आइसक्रीम लेने जा रहे हैं। क्या हुआ, देख लेते हैं घर, पैरा लाइन लाई है। हाँ चलो कुछ चिप्स भी पकड़ ला, नहीं थी आ जाओ, अब चलो आ जाओ, जमी हुई दीजिए आ जाओ। अच्छा इधर नहीं चलता, हम बड़े नहीं हो गए एक्चुअली ना, चीज़ें थोड़ी कर दी और छोटी कर दी। एक शादी भी हो रही है,
और यार इतनी गर्मी में लोग शादियां कैसे रख लेते हैं। अच्छा खैर जी, अब आपको पता है हमारे घर भी मेहमान आ रहे हैं और देखते हैं कि आ जाओ तुसी आ जाओ। अच्छा अब देखते हैं कि हमारे घर जो मेहमान आ रहे हैं वो हाथों में यू नो समझ लो। हम आ गए हैं घर वापस। ये ले जी फर्क आप खुद देख लें कि वो और ये, मतलब ये पुराना वाला और ये नया वाला, मतलब इतना जो है ना वो फर्क आ गया चीजों में। बर्तन रख देते हैं या इसको उठा लेते हैं इधर से, इसको उठा के ये टूट गया। मैं ना लगाने लगी बर्तन। यार ये कितने टहनियाँ रखी हैं, ऐसी रख दी हैं। ये वाला मैंने सेट कर लिया, उसको वॉश किया सारा कुछ। अब जो है ना वो टेबल पे बर्तन लगा देते हैं और गेस्ट अभी तक नहीं आए, ये हमेशा बहुत ही लेट आते हैं। तो बस अब जल्दी से डाइनिंग टेबल पे बर्तन सेट कर देते हैं और किचन में चलते हैं। वो मैंने बर्तन निकाल लिए थे सारे, ये वॉश किए थे और यहाँ पे से जो है ना वो वाइट हांडी जो है ना इसमें डाल दूँगी, ठीक है। और ये गर्म हो रहा है और ये है आयशा और ये है हमारा किचन और यहाँ पे मेरे जो मैंने चावल बनाए थे वो यहाँ पे पड़े हैं। चलो पहले जल्दी से बर्तन लगाते हैं टेबल पे, वो बहुत ज़रूरी है। ये सारा कुछ सेट 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 हो चुका है। चलो अब मैंने बस बाल बंद कर लिया। किचन में थोड़ी देर भी जाके काम कर लो ना तो बुरा हाल हो जाता है, मतलब पसीनों की बरसात शुरू हो जाती है। अभी बरसातें आई नहीं हैं तो बस यही है कि थोड़ी देर किचन में जाओ और फिर फौरन बाहर निकल के ठंडी हवा ले लो फिर किचन में चली जाओ। तो मैं एक राउंड किचन में लगा आई हूँ। अब मेरा टाइम है कि मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे खड़ी होके सांस ले लूँ और आयशा किचन में स्टिल काम कर रही है अभी तक, तो अभी थोड़ा सा मैं सांस ले लूँ फिर किचन में जाती हूँ। गर्मी में भाई कुछ समझ नहीं आती, लेकिन फिर भी मौसम बहुत बेहतर है। ईद के पूरे 3 दिन जो है ना वो मेरी पूरी बैटरी बिल्कुल लो थी, जो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यार करना क्या, इतनी शदीद गर्मी थी। और बस अल्लाह करके ईद गुजर गई। हाथों का क्या हाल हो चुका है। अच्छा हाथों से याद आया कि आपने मेरे साथ साथ एक और चीज़ भी नोट करनी है, मेहमानों के हाथ आपने ज़रूर चेक करने और मैं भी आपको चेक करवाऊँगी। गेस्ट आ रहे हैं इतनी गर्मी में आ रहे हैं, मजाक है भाई। तो हौसला, ये देखें जी, वाह जी वाह क्या खूबसूरत। ये है चावल जो मैंने बनाए हैं और ये है मटन जो आयशा ने बनाया है, गुड। और यहाँ पे कबाब भी हैं जो गर्म करने लगे हैं। चलो जी भाई बहुत ज्यादा गर्मी है तो स्टार्ट हम करते हैं जूस से, ठीक है। तो बस ये ले जाती हूँ और उठा लूंगी यहाँ। बर्फ निकाल दो, इसको पानी शानी दे दिया हुआ और अब मैं जा रही हूँ किचन में, क्योंकि किचन में और भी बड़े काम देखने होते हैं। यहाँ पे ये सब कुछ गर्म हो रहा है, ये ना हो ये जल जाए। और इसकी भी ड्यूटी जो है ना वो मेरे सर पे लगा के गई थी, वैसे ये अभी गर्म नहीं हुई है तो ओके। तो बस अब यहाँ से थोड़ा सा मेस जो है ना वो साथ साथ उठाई जाती है, क्योंकि मुझे किचन गंदा होना वो अच्छा नहीं लगता, तो किचन को भी साथ साथ से मिलते हैं। चलो जी यहाँ पे जो है ना वो बैठने पे मसले हो रहे हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, मैंने आप पूछा। उठा लूँ बर्तन। अच्छा जी जब तक ये सारे लोग बाहर बैठ के बातें कर रहे हैं ना, मैंने 2 मिनट तो बस जब तक ये सारे बाहर बैठ के बातें कर रहे हैं।
लो जी अब क्लियर कर देते हैं कि मेहमान जब किसी के घर आते हैं ना तो उसके हाथों को क्यों चेक करना चाहिए। सारा सस्पेंस जो है ना वो आप खोल देते हैं। देखें जब किसी के घर कोई मेहमान आता है ना तो जो होस्ट होता है ना वो मेहमानों को प्रॉपर माइक्रोस्कोप की नज़र लगा के चेक करता है, उसके हाथ अच्छे से चेक करता है कि यार मेहमान आए हैं तो कुछ लेकर आए या खाली हाथ ही आ गए। ये सब करते हैं, आई एम 100% श्योर ये सब करते हैं, चाहे वो देसी हैं चाहे वो अंग्रेज़ हैं, ये हरकतें सब करते हैं। आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप लोग ऐसा करते हो या नहीं करते। सच सच बताना है कि जब किसी के घर कोई मेहमान आता है ना वो मेहमानों को चेक करता है, उसको देखता है कि यार ये कुछ लेकर आए या खाली हाथ ही आ गए। और यकीन माने अगर मेहमानों के हाथ में हम कोई डब्बा देख लें ना तो दिल खुशी से पागल हो जाता है कि यार मेहमान कुछ लेकर आए हैं। और अगर मेहमान वही खाली हाथ आ जाए ना तो दिल बस टूट जाता है। तो मिठाई खाने का मेरा वैसे ही बड़ा दिल कर रहा था, तो थैंक यू सो मच मेहमानों का जो इतनी मज़ेदार मिठाई लेकर आए और उसके बाद हमने खाई आइसक्रीम, तो बहुत मज़ा आया जी। अल्हम्दुलिल्लाह किचन हो गया चमचमाता हुआ साफ और सारे बर्तन भी समेट लिए, सब कुछ वाइंड अप हो गया हुआ है। मतलब बातों में अभी तक स्टिल बाहर बातें चल रही हैं और मैंने फटाफट ये सारा काम कर लिया, क्योंकि फिर ऐसा होता है कि खाना शाना आयशा पका लेती है, ये सारी चीज़ें ऊपर की जो है ना वो मैं हैंडल कर लेती हूँ। फिर मुझसे बैठ के ना भाई इतनी गप्पे नहीं लड़ाई जाती, मुझसे बातें नहीं होती, तो फिर मैं चुप करके ना साइड पे होके तो किचन के काम सारे वाइंड अप कर लेती हूँ, ताकि फिर आराम से बैठ के ना रिलैक्स होके खाना खाया जाए। तो वो ये अलग बात होती है कि ये सारी चीज़ों को समेटते समेटते ना बंदे की भूख फिनिश हो जाती है। तो बस अब ये सब कुछ हो गया, मैंने बर्तन धो के लगा भी दिए हुए ताकि जो है ना अम्मी और आयशा का बर्तन जो है ना वो कम हो जाए। आशा को भूख बहुत लगी हुई है तो मैं उसको कह रही हूँ तुम खा लो, लेकिन चलें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारा काम जो है ना वो जल्दी से कर लिया और अब देखते हैं क्या करते हैं। मेरी भी हालत ख़राब हो चुकी हुई है तो बस अब खाना जो है ना वो कपड़े शपड़े चेंज करके ही खाएंगे रिलैक्स होके, बाकी किचन का काम जो है ना वो खत्म हो गया। और हाँ जी, देसी फैमिलीज में ये भी होता है कि लास्ट मोमेंट पे ना बाहर जब अल्लाह हाफिज़ करनी होती ना तब पता नहीं कौन से ज़माने की बातें जो है ना वो याद आ जाती हैं और बाहर खड़े होकर भी बातें करनी होती हैं, उसका एक अलग ही लेवल है कि भाई कोई बात रह ना जाए। चलो जी आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखें। भाई बहुत ज़्यादा थक गए थे मैंने और आयशा ने, फिर खाना खाया मैंने तो फटाफट पहले आके अपने कपड़े चेंज किए, मुँह धोया और फिर खाना खाया और खाना खा के अब रिलैक्स हुए हैं। तो बस अब हम टूट गए हैं, मतलब अब लेटेंगे, सोने की तैयारी ये हो चुकी हुई है, बस अब सोएंगे और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, प्यारे से अच्छे से कमेंट कर दें और बस अल्लाह हाफ़िज़।